भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ईडीआईआई अने राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू द्वारा 100 एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम नो आयोजन कर्यु, जेमा भारत भरनी 5796 महिला एंटरप्रेन्योर ने जागृत करवामां आवी। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ईडीआईआई अमदावाद द्वारा पोताना केम्पस में 25 जुलाई 2024 ना रोज 100 एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम्स ईएपी ना मेगा समापन कार्यक्रम नो आयोजन करवामां आव्यु हतु। आ कार्यक्रम में भाग लेनार संभवित महिला साहसिको 35 राज्यों अने केन्द्र शासित प्रदेशों में आयोजित 100 एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम्स ना समापन समारोह नु प्रतीक छे। आ प्रोजेक्ट राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू ना समर्थन अने सहयोग थी शुरू करवामां आव्यो छे। आ प्रोजेक्ट ने 2 जून 2023 ना रोज उज्जैन में लॉन्च करवामां आव्यो हतो। अहेवाल अश्विन लिंबासिया। एक वर्ष पहले जून 2023 में हमने ईडीआई के साथ मिलकर एक कार्यक्रम की शुरुआत की, एक कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसमें हमने ये सोचा कि देश में 100 कार्यक्रम ऐसे करें जहां महिला उद्यमियों को ट्रेनिंग दे या उनसे बातचीत करें। ट्रेनिंग इज नॉट द राइट वर्ड, हम शुरुआत करें कि उनको हम प्रेरित कर सकें कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ें या अपना काम शुरू करने की तरफ बढ़ें। और ये 100 कार्यक्रम हमने एक साल में करने की ठानी थी और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि हमने एक साल में ये 100 कार्यक्रमों में 5800 महिलाओं को ट्रेन किया या उनसे ये बातचीत की कि वो अपना एक बिजनेस शुरू कर सकें। और ये 5800 महिलाएं देश के हर कोने से थी, आप कश्मीर से लेकर या लद्दाख से लेकर, मैं कहूँगी कन्याकुमारी तक, हर राज्य में हर यूटी में हमने ये कार्यक्रम किया और महिलाओं तक पहुँचे। मैं इसके लिए ईडीआई के डायरेक्टर शुक्ला जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, उन्होंने भी पर्सनल इंटरेस्ट लिया। ये कार्यक्रम मुझे नहीं लगता कि सफल हो पाते अगर हम दोनों का पर्सनल इंटरेस्ट। जैसा आदरणीय मैडम रेखा शर्मा जी ने बताया कि ये नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान का संयुक्त प्रयास था। 100 शहरों में हमने 100 कार्यशालाएं आयोजित की और महिलाओं के अंदर एक अद्भुत ललक देखी हमने उद्यमिता के प्रति। और खासकर देश में जो ऐसा वातावरण है कि महिलाओं की सहभागिता ही सिर्फ नहीं होनी चाहिए, आर्थिक सशक्तिकरण होनी चाहिए और वीमेन लेड डेवलपमेंट होना चाहिए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से चल रहा है, तो उसी को आगे बढ़ाने का कार्य इस कार्यक्रम ने किया हुआ है। और ये सिर्फ आज भले 100 कार्यक्रम हमारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन सिर्फ हम वहाँ नहीं रुकने वाले हैं। हमारे जो ईडीआई के क्षेत्रीय कार्यालय हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिल करके हम उन महिलाओं तक फिर से पहुँचेंगे, उनको हैंड होल्डिंग, मेंटरिंग, गाइडेंस, बिजनेस प्लान, उनके क्रेडिट लिंकेज और जिन्होंने बिजनेस अपना शुरू किया है उनको किस तरह से और हम दूसरी योजनाएं जो सरकार की उनके साथ जोड़ें, ये हम